I would like to welcome all of you for the first Grand Jeopardy Exhibition Hogathon. It's with great honor. I also welcome Ritesh and Janilia, who have been the brand ambassadors for this exhibition, which we have put together in Trinidad. Those who would have not booked their homes would really feel lost out. We have Mr. Sandeep Rinwal, the President Direct of Maharashtra, अरे कैमरा थैंक यू सर इतने जी पक्का जरा ये करन एक्शन 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 थैंक यू 135 property builders are here to give the best value for their homes for consumers, and I'm sure that there are many, many people out here who will come and buy. Pratyek manasacha swapna asta ki aapla ek ghar asav, ani mala vatte ki hecha peksha changli jaga tumhala milnar nahi tumcha soyicha tumcha hakkacha aani tumcha pasantichha aani tumcha khishala patel tasa ghar tumhala ithe mil. आणि सगळे तुम्हाला सगळे बँकर्स पण इथे आहेत, तुमच्या सोयीचे लोन देतील, त्यांच्याकडून जास्त पैसे घ्या, तुमच्या खिशातून कमी पैसे टाका आणि चांगलं घर मिळवा. प्लीज आप बाहर जाइए. ओके सर प्लीज सर Thane.
if this building is in South Bombay. Every builder will have a story of something. I know. Every builder. So special, yeah. Yes. Sir, please. I would say this location. Yeah, this location. हाँ सर सर मैम नवीन यू कैन डू अ क्विक हियर क्विक देयर या कम विद सर दैट्स इज इजीियर Yeah, smile please. Thank you. फास्ट मूव होते रहे हाँ चलेगा होल्ड कर तो भाई His marketing campaigns are always unique. Yeah. Super campaigns. All team-based projects, signed all cities, signed up in Paris, oh. From the world cities, King Sanjun's lifestyle, Italy, Rome, Super Lifestyle. Very prominent. Okay. It is. Who is the person who has made this?
He's the first pillar. Abhay is the second. He's the third pillar. Congratulations. Maximum developers. He's called Guardians of Bombay. Guardians. Oh, really? This company is actually called Guardians. Wow. This is great marketing. Wonderful. Yeah. Thank you, sir. भाई तुम्हारा हो गया तो टाइट हो गया एक डिवीजन में आया सितंबर में तो काफी प्रॉपर्टी बिकी है मुंबई में, लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी के जो प्रॉपर्टी का सपना है मुंबई में पूरा हो पाएगा? मुझे लगता है कि यू नो जब हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपना एक घर हो, अपने परिवार के लिए एक घर बनाए, और वो हमेशा इसी खोज में रहता है कौन सा अच्छा मेरे लिए घर है, क्या मैं ये घर खरीदूँ या दूसरी जगह अच्छा मिलेगा, और इसी फिराक में महीने चले जाते हैं, कभी कभी साल निकल जाते हैं, वो वक्त भी निकल जाता है। ऐसे एग्जीबिशन से क्या होता है कि इतने सारे डेवलपर्स इकट्ठा आते हैं, आपको सही मायने में असली और बेहतर प्राइजेज यहाँ पर मिल रही हैं, उस हिसाब से हर ग्राहक को ये पता चलता नहीं मुझे इस एरिया में घर लेना है, उस एरिया में घर लेना है, वो भाव चेक कर सकता है। और इस एग्जीबिशन में इस खासियत ये भी है कि यहाँ पर सारे जो फाइनेंस ऑप्शंस है या बैंक से वो भी यहाँ पर इन्हें उपलब्ध है लोगों को देखने के लिए कि कौन से बेहतरीन ऑप्शंस उनके पास है, जिसके वजह से उनका घर लेने का जो सपना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं या तो उनके सपने पूरे हो जाएंगे या उनको एक नया सपना देकर चला जाएगा। No, I think Hridesh pretty much covered it. I think to have a dream and to be able to fulfill it is something that's important. I think this kind of an exhibition gives you both, gives you a chance to see properties, gives you a chance to have banks around to figure it out how you can buy. And I think that's extremely important when you're looking out at a property. एक सवाल संदीप जी से, संदीप जी थोड़ा सा इधर बताइए ना। हाँ संदीप जी, आज आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, ब्याज दर लगातार बढ़ रहा है, क्या इम्पैक्ट देखेंगे? अगर सितंबर का आंकड़ा देखें तो काफ़ी अच्छा रजिस्ट्रेशन हुआ है मुंबई में।
तो अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो रेपो रेट बढ़ा है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था और अपना इंटरेस्ट रेट अभी पीक आउट हो गया है। ये ऑलरेडी होम बायर्स ने अपने प्राइसेस में कंसिडर करके ईएमआईज का कंसिडर करके ही घर खरीद रहे हैं अभी। आप बाकी की कंट्रीज़ में देखोगे तो वहाँ पे तो 1%, 1.5% तक बढ़ गया है रेट एंड इंडिया वो हिसाब से बहुत ठीक रहा है। एंड आज की डेट में जो प्राइसेस अपने हैं बहुत रीजनेबल है, इससे और अच्छी ऑफर्स और स्कीम्स अभी नहीं मिल सकती किसी को एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय होम्स। सितंबर महीने में रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है, क्या रीजन देखते हैं आप? ओवरऑल देखोगे तो डिमांड फॉर हाउसिंग हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग और ये मकान की डिमांड बढ़ती ही जाएगी बिकॉज लोगों ने कोविड में समझ लिया कि अपना मकान होना बहुत ज़रूरी है एंड रेंट पे रहने के लिए वो लोग को इतनी तकलीफ हुई थी लास्ट टाइम। तो आपको अगले 2 साल तक रियल इस्टेट का मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखेगा। नहीं देखो मैं डेकोरेशन नहीं करता, मैं घर डिज़ाइन करता हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ। तो जाहिर सी बात है कि घर में जो भी इंटीरियर डिज़ाइन करना है उसका उसका उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। नो 100% चेक्स वो साइन करती है। थैंक यू। शीतल स्टेज पे करते हैं। उधर से 24/70 पे टाइट ले, मैं इधर से भाई चल। अरे मोबाइल, अरे सेल्फी नीचे दादा, सबके फ्रेम में आ रहा आपका। गले में मिलना। अगर हो जाए तो पीछे आ जाना प्लीज। करो फोटो यस।